हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हाँ जो है मैंने सोचा नहा धो के आई हूँ, सारा काम ख़त्म किया है, फिर मैंने सोचा चलो जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के व्लॉग में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हम कल जा रहे हैं घर यानी कि गाँव में। कुकर में सीटी आ रही है क्योंकि मुझे खाना बनाना है और खाने में सब्जी नहीं है, कुछ भी घर में सब्जी नहीं है, सिर्फ वही आलू हैं। तो मैं आज आलू की चटपटी सी तीखी सी सब्जी बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा चलो जी पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में जो है वीडियो में आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे करनी है अपनी पैकिंग, सारे कपड़े वपड़े मुझे जो है वो अभी लगाने हैं क्योंकि कल हम फिर निकल जाएंगे घर के लिए। काफ़ी सोचा समझा और बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद में जो है वही डिसाइड हुआ कि घर जाना ठीक है। पापा जी की भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, कल भी उनको बहुत तेज़ एकदम से फीवर हो गया था। तो इस टाइम पर फैमिली सारी एक साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, पूरा परिवार एक साथ में रहे तो अच्छा है, टाइम अच्छे से कट जाएगा। मतलब इतना अकेले अकेले रह करके महसूस हो रहा, उतना सब साथ में रहेंगे तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, भीख मांगती हूँ मैं लाइक की आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दो थानों की पुलिस लगा दी गई है कढ़ाई ढूंढने के लिए, देखिए अभी क्या होता है, कहाँ पीछे झाड़ पे दर्द। ये देखिए बहुत बढ़िया। देखो भाई वीडियो देखने वाले लोगों, आप देखो सब हमारे यहाँ मामला क्या है, आपको हर एक बेड में एक दो बर्तन मिलेगा। देखो कढ़ाई ढूंढते हुए कट्टा खोलने का शुभारंभ, नारियल फोड़ो, यार यो सामान 6 महीने पहले पैक हुआ थे, सब थक याद है, 3-4 बार 2 बार में बना लियो। नहीं तो देखो बड़ी भी है फिर यो क्यों कटवाई जा पड़ी है, तो नहीं जरूरत थी मुझे भाई मौका, ये देखिए मौके पे मारा चौका भाई, बिल्कुल नहीं। दिस इज गोइंग टू द मांटूज रूम, व्हाट शी इज डूइंग, मुझे नहीं पता, इंगे होंगे मांटू कंस्ट्रक्शन चल रही भाई, कंस्ट्रक्शन बेटा, ये फ्लैट्स सारे शिफ्ट कर दो बेटा, ठीक है ना, अर्थ को एक करा देखो। अंजुल यहाँ आ जा भाई, वो मंडरी कर ली, मांटू पकड़ ले बेटा, तू पकड़ ले, मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी। उसके लिए मैंने ना पहले ये लोहे की कढ़ाई मेरी रखी हुई थी वो निकाली है, तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, जीरा और हींग डाल दिया था, प्याज का बनाया है मैंने पेस्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पता ना थोड़ी सी चटपटी सी सब्जी बनाने का थोड़ा सा मन हो रहा था, क्योंकि आलू की सब्जी है, वैसे भी कई दिन से आलू ही आलू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वड़िया भी ले ली है, मैं इसमें वड़िया भी डाल दूँ क्योंकि बॉइल करके जब हम आलू बनाते हैं तो उसमें वड़िया डालते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने अभी डाला है 1.5 चम्मच सौंफ और 1 से 1.5 चम्मच था, और ये डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तो मसाला अच्छे से भुन गया है और मैंने तेल जो है वो कम ही डाला था, ज़्यादा तेल नहीं था क्योंकि मुझे इसमें टमाटर की प्यूरी डालनी थी, तो ऑटोमेटिक ये पतला तो हो ही जाना था, तो इसलिए मैंने तेल इसमें कम डाल लिया। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और ये एक तीखे आलू का कैच का मसाला जो आता है वो डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच।
चटपटे आलूओं की एक मसाला आता है वही डाल दें, क्योंकि सारे जो सूखे मसाले हैं जैसे छोले मसाला, पनीर मसाला और ये सारे जो हैं वो मैंने मंगा के रखे हुए हैं, कभी कभार मैं डाल लेती हूँ, डेली में तो नहीं डालती हूँ। और मसाले में डाल दिया है मैंने नमक। जब ये मसाला अच्छे से भुन गया है फिर मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ये मैंने आलू जो है वो हल्के से हाथों से फोड़ लिए हैं और उसको मसाले में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मसाले में इसको अच्छे से मिक्स करके, और जो हमने वड़िया भिगो के रखी हुई हैं वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने उनको तला नहीं है, बस ऐसे ही भिगो के पानी से निचोड़ के बढ़िया तरीके से फिर मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छी टेस्टी सी सब्जी बनी थी और ऊपर से जो है ये लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाई थी तो और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो बस इसमें ऊपर से मैंने वड़िया डाल दिए हैं, अच्छा सा एक उबाल लगाएंगे और सब्जी हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। खाना पीना सब कुछ खा लिया है और सारे बर्तन भी जो है मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। गोपाल जी के लिए बना रही हूँ मैं जवे, यहाँ पर दूध वाले जवे बना दें क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जल्दी भी बनते हैं और सबसे ज़्यादा इजी भी है, तो गोपाल जी के लिए कुछ तो बनाना ही था तो फिर मैंने जवे बना दिए। अब गोपाल जी को भी भूख लगा दूंगी और उसके बाद जो है फिर मैं खाना खा लूँगी क्योंकि इन सब लोगों ने खा लिया है। मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे जो है गोपाल जी को भोग लगाना था, तो भोग लगा के गोपाल जी को उसके बाद में मैं भी खा लूँगी। और देखिए घर में सबसे ज़्यादा अब जा सैनिटाइज़र की शीशी ही होती हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मैं डाल देती हूँ जवों में मीठा और उसके बाद में फिर खाना खाएंगे। हाँ जी, तो गोपाल जी के जवे भी जो हैं वो बन गए हैं बढ़िया तरीके से, मैंने इसमें खूब सारी मलाई डाली थी। चलिए गोपाल जी को भोग लगा देते हैं और उसके बाद में अपना भी खाना खा लेते हैं। वैसे यहाँ ये भी खा ही रहे हैं, अभी मांटू ने खा लिया है, मांटू के मामा ने भी खा लिया है और बस मैं भी अब खाना खा के तसल्ली से एक दो सीरियल आते हैं उनके, एक दो थोड़ा थोड़ा सा देखती हूँ। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के टीवी देखूँ, मैं टीवी तभी देखती हूँ जब या तो मतलब खाना खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुर्सत से होकर के टीवी देख लें, इतना तो टाइम होता ही नहीं है अब जब। और बस यहाँ पर मुझे ना मक्खन भी निकालना था तो ये थोड़ी ही मलाई रखी थी क्योंकि फिर घर भी जाना है तो मलाई तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलिए इसका घी बना करके ही जाऊंगी। तो ये थोड़ा ही मक्खन था दूध के भिगोने में मैंने कर लिया है, अभी मैं रख दूंगी इसको गर्म करने के लिए और ये भी मेरा जो काम है वो निपट जाएगा, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपना सारा सामान रखी हूँ, बैग में जो कपड़े थे वो इनके और मांटू के लगा दिए हैं मैंने, बैग में सारा सामान अपना डेली यूज़ का जो भी होता है वो रख रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने सारी चीज़ें साथ में लेकर के ही चलती हूँ, चाहे मैं अपने घर भी जाऊँ और चाहे मैं अपने ससुराल जाऊँ, मतलब अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी अपने मतलब अपने पास से ही लेकर के मैं चलती हूँ। तो बस अभी मेरे कपड़े रह गए थे उन पर मैं प्रेस कर रही हूँ और बस अपने भी कपड़े फिर मैं बैग में लगा लूँगी तो पैकिंग हमारी फाइनली हो जाएगी। उसके बाद में मुझे अपना सर भी धुलना है, अभी थोड़े थोड़े से काम जैसे कि सारी चीज़ें फ्रिज खाली करना क्योंकि फ्रिज को बंद करके ही जाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है।
और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ और भी समझ में नहीं आया बनाने के लिए, तो नाश्ते में यहाँ पर आलू प्याज की पकौड़ी बना ली है। प्याज रखी हुई थी, आलू रखे हुए थे, तो मैंने उनको कट करके मैंने सोचा चलो नाश्ते में आज पकौड़ी ही हो जाए, काफ़ी टाइम भी हो गया है नहीं बनाई है, तो आज बना लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पर इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी चाय के और सॉस के साथ में, अच्छी लगेगी खाने में। तो आज मैंने जो है अपने कपड़ों की जो अलमारी थी ये बहुत बुरी हालत हो रही थी, और ये कपड़े लगाने का जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना तो फिर काम ढीला पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो वैसे ही दिखा देती हूँ। ये सारे जो भी कपड़े हैं वो मेरे डेली में ही पहनने वाले हैं। ये इधर मैंने सारी कुर्ती, और जो कुर्ती के साथ में जैसे कि किसी के साथ में पैंट है तो वो सारी यहाँ पे मैंने लगा के रख दी है, और इधर की साइड जो मतलब अनारकली वाली कुर्ती है वो मैंने रख दी है। ठीक है, तो इधर तो हो गया वो वाला पोर्सन, और ये जो इधर है ये सारे जो है वो सूट सलवार है मेरे, ये वाले भी। और मैंने नीचे ना अभी डालने के लिए फ़िलहाल कुछ है नहीं, कपड़ा डालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और फिलहाल मेरे पास में सिर्फ एक ही चार्ट सा था मांटू का, वो तो मैंने डाल दिया, पर यहाँ पे डालने के लिए अभी नहीं है कुछ, तो बाद में देखेंगे डाल देंगे, क्योंकि अगर कपड़ा वपड़ा डालते हैं तो कुछ भी निकाले तो वो खिसकता है फिर कपड़ा। और ये मेरी अलमारी जो है वो बहुत पुरानी है, यानी कि मेरी शादी की ही है, तो थोड़ा सा इसका पेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। इस अलमारी को मैं देना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी शादी की एक निशानी अपने पास में रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस अलमारी को रखा हुआ है। इधर भी ये सारे सूट सलवार ही हैं, मतलब सूट सलवार भी हैं और इसमें प्लस जो सिलवाए हुए कपड़े हैं इस तरीके के, ये वाले भी मैंने सारों के सेट बना के रखे हैं ताकि ईजिली मुझे मिल जाएँ। और ये सारा जो भी है ये लोअर हैं दो मेरी पहनने की। और अगर बात करते हैं नीचे, तो इसमें सारे मेरे जो नए वाले कपड़े हैं वो है इस वाले में, सारे नए सूट हैं, और ये भी मेरी नई ही कुर्ती है, और इसमें सारी जो ब्लाउज़ हैं वो रखी हुई है। अभी बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे अरेंज करने, फ़िलहाल जो मैंने किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कुछ टॉप हैं वो मैंने ये आगे की साइड रखे हैं, और पीछे ना कुछ सलवार हैं जिनके ऊपर कुर्ते नहीं हैं, तो वो मैंने पीछे रख दिया क्योंकि वे अभी यूज़ की नहीं है। और नीचे फ़िलहाल अभी एक यही रखा है, इसमें कुछ कुर्तियां हैं, और बाकी के कपड़े जो मेरे बेड में रखे हुए हैं वो मुझे, वो ये दो तौलिए हैं, ये मेरे वाला है, अभी तक मैंने निकाला नहीं है इसको, बाद में निकालूंगी। एक बैग ये टंग रहा, एक छोटू सा ये है, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऊपर। तो ये वाली अलमारी भी जो है वो टेंशन ख़त्म हुई आज। और इधर अब ये सारे जो कपड़े हैं, क्योंकि आज अलमारी लगाई है तो थोड़ा सा काम तो बढ़ता ही है, ये सारी चुन्नी है, इनके लिए जो है बास्केट मैंने ऑर्डर की हुई है वो आ जाएंगे, तो मैं सारी चुन्नी एक बास्केट में लगा दूंगी। अभी बेड में से भी मुझे मेरे कपड़े निकालने हैं, तो वही। और ये भी साड़ी है, इनमें से कुछ साड़ी तो मैंने इस तरीके के इसमें रख दी हैं, ये वाली, इनको तो मैं उठा करके रखूँगी, और जो ये हैं इनमें से भी मुझे जो है इनको पैक करना है। ये सारे सूट वो हैं जो मैंने निकाले हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ। और ये वाली जो अलमारी है, ये वाली, इसमें मैंने सारी चूड़ियाँ रख दी हैं, और जितना भी मतलब कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी चूड़ी वूडी होते हैं ड्रेसिंग में, तो इतना सामान नहीं आ पाता है, वो रखा है। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था, जिसमें मैंने अपनी सारी चूड़ी कड़े वो रखे हुए हैं, अच्छे से अरेंज रहते हैं, इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं। ये भी हो गया। और इसमें ये वाला डब्बा है, खाली था क्योंकि अभी मेरे पास में कोई बास्केट नहीं थी, इसमें सारी मेरी लैगी हैं, साड़ियों को मैंने तह करके एक साइड में रख दिया है। ये बैग रखे हुए हैं, और ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी मुझे भी वीडियो बनानी है। और वो जो मैंने लगाई थी ये मनी प्लांट आर्टिफिशियल, वो मैंने वहाँ से हटा दी है, इनको मैंने यहीं पे लगा दिया है जहाँ मेरी पहले वाली जो मनी प्लांट है वो लगी हुई थी। यहाँ ये मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले वाली जगह तो ये अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ पर मैंने इनको लगाया है। अब आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हैं, वहाँ से तो हटा दिया है, वहाँ सिंपल मैंने जो है वो मेरी शादी का जो फ़ोटो है वो लगाया है बस,
सिंपल। और ये इस तरीके की लड़की लगाना ना बेड के ऊपर, मुझे पसंद है, पर्सनली पसंद है मुझे, इसीलिए मैं लगाती हूँ। तो गाइस हमारा जो है वो सब सामान पैक हो गया है, और अभी जो है मैं नहा भी चुकी हूँ, सारा सामान सुबह के टाइम में ही जो है वो मैंने पैक किया है, और अभी सर धुला है मैंने अपना, बाल गीले हैं, और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए पहले इस वाली वीडियो का एंड कर देते हैं, और बस फिर तैयार होके निकलेंगे। बैग वैग, दो बैग हो गए हैं, दो नहीं तीन बैग हो गए हैं, चंचल भी है, गोपाल जी भी है, और सारे कपड़े वपड़े ले जाने में भी, तो वही सब। और चलिए फिर चलते हैं घर पर, अब आप लोगों से जो है वहीं पे जाके मुलाकात होगी, और वहीं के आप लोगों को वीडियोस जो है वो कुछ टाइम तक देखते हैं कितने दिन तक देखने को मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी मैं हो लेती हूँ रेडी क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो रहा है।